तो चलिए गाइस, जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट, आइए हम लोग देखते हैं आज फर्स्ट चैप्टर का जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ प्लस ये न्यूमेरिकल, ये दो क्वेश्चन हम लोग जो है कम टाइम में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यान से समझने की कोशिश करिए और कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि भाई पेपर नजदीक है तो आप रिवाइज करेंगे, फिर भी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद अ डाइपोल मोमेंट ऑफ पी। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या है, हमारा क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू मूव इट फ्रॉम स्टेबल टू एन अनस्टेबल स्टेट, मतलब कि कोई कहे हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन देना है, मतलब प्रूफ करना है, किसका प्रूफ करना है, तो वर्क डन। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कैसे देखें क्या करना है, सबसे फर्स्ट देखेंगे एक्सप्रेशन क्या है, क्या करना है, उसके बाद देखेंगे किस चीज का एक्सप्रेशन करना है, मतलब क्या प्रूफ करके लाना है, क्या किसकी वैल्यू लेकर लानी है, तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और विथ डाइपोल उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, तो पी दे रखी है, और किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टू मूव फ्रॉम कहां से कहां तक, स्टेबल से अनस्टेबल तक। इतनी चीजें हमें क्या है, जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले हमारा निगाह जो होगा, सबसे पहले हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा, सबसे पहले यही क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, और उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। तो पहले देखेंगे राइट एन एक्सप्रेशन, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखा होगा, डेराइव लिखा होगा, प्रूफ लिखा होगा, उसको देखेंगे किसको प्रूफ करना है, क्या लाना है, तो वर्क डन लेके, फिर क्या इसमें लेके लाना है, तो डाइपोल मोमेंट लेना है, ठीक है, जिसकी वैल्यू पी दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, और स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाके, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर दोनों एक साथ कराते हैं। देखिए व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू टीनी चार्ज स्पीयर, छोटे छोटे दो ठो चार्ज क्या है, स्फेरिकल बॉल है, स्पीयर पोजीशन 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, एयर में जो है 30 सेंटीमीटर पे क्या है प्लेस कर दिए जाते हैं, जिनका चार्ज ये है। तो इसमें देखें क्या हमको करना है, व्हाट इज फोर्स, सबसे पहले इसमें क्या निकालना, देखेंगे यहाँ पे फोर्स दिया निकालना, ठीक है, और कितने डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, तो ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे चार्ज कितना, तो ये मेन मेन पॉइंट हम लोग पहले दिमाग में क्लिक कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखिए ऊपर फर्स्ट का आंसर देखिएगा, फर्स्ट का आंसर क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर, क्योंकि देखिए 2 मार्क्स का है, तो हम लोग बहुत जल्दी से करेंगे, लेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टार्क निकालेंगे, टार्क इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है, ठीक है। अब रही बात टार्क का प्रूफ देखने के लिए, पीछे मैंने कराया उसको देखिए, टार्क की वैल्यू कितना, पीई साइन थीटा है, ये टार्क की वैल्यू हो गई, ठीक है। टार्क किसमें प्रूफ कर दिया जाता है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में टार्क पहले प्रूफ करते हैं, जिसकी वैल्यू पीई साइन थीटा होती है, ठीक है। अब क्या लिखना है हम लोग को, वर्क डन निकालना, देखिएगा क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए वर्क डन निकालना और पी लेना, देखिए वर्क डन निकालना था हम लोग को यहाँ पे, और पी हम लोग देखिए ले चुके हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ चुका है, और साइन थीटा। अब करना क्या, देखिए इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है, कहाँ से, थीटा वन से लेके थीटा टू तक किसको इंटीग्रेट करेंगे, पी ई साइन थीटा को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे थीटा वन से थीटा टू तक। अभी इसकी वैल्यू ही वही बतानी हो, स्टेबल और अनस्टेबल। तो अब इसको देखिए, ये वाला हमारा कांस्टेंट होता है पीई, और बचता क्या हमारा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होगा, यही दिमाग में रखना, क्या साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का वो होता है माइनस कॉस थीटा, आपको बस इतना याद रखना है, डी थीटा लिख के, तो ये याद रखना है। फिर से देखिएगा, यहां लिखिए साइन थीटा, यहाँ डी थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो इसका ये क्या है, इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है माइनस कॉस थीटा, और थीटा वन से थीटा टू तक क्या है, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी। अब देखिएगा ये लिमिट सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, अपर लिखते हैं, उसके बाद लोअर लिखते हैं। तो अपर लिमिट जब लिखेंगे तो इसके बाहर पीई है,
पी को बाहर ही रहने देते पीई, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा टू, और जैसे ही माइनस माइनस होगा प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा वन आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। देखिए ये आगे अब क्या करना है, ये कंडीशन है स्टेबल टू अनस्टेबल। तो स्टेबल टू अनस्टेबल का मतलब होगा कि थीटा की वैल्यू अगर जीरो ले ले, स्टेबल कंडीशन होती है, और थीटा टू की वैल्यू अगर 180 ले ले, अनस्टेबल कंडीशन होती है। इसी में ला के वैल्यू अगर रख देते हैं तो देखिएगा पीई इक्वल टू नहीं, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना पीई, और यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे थीटा की हो जाएगा कॉस थीटा जीरो क्या होता है वन होता है, माइनस फार्मूले में है, और कॉस थीटा टू की वैल्यू माइनस वन होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डब्ल्यू जो है हो जाएगा टू पी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो देखिएगा ध्यान से, क्या सबसे पहले हम वर्कडन के टाइप उसका टाथ की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा वर्कडन आ जाएगा थीटा वन से थीटा टू का इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है माइनस कास होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस में पहला आएगा, फिर माइनस करके जैसे लोअर रखेंगे प्लस हो जाएगा, थीटा वन को पहले लिख दिया थीटा टू को बाद में लिख दिया। स्टेबल कंडीशन होती थीटा वन की जीरो और थीटा टू की 180, वैल्यू रखेंगे कास जीरो की वैल्यू वन होती है, कास 180 की वैल्यू माइनस वन होती है, फिर ये दोनों प्लस हो गया तो टू, इसका मतलब डबल होगा वर्कडन क्या होगा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप समझ जाइए, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, देखिएगा एक मिनट देख लीजिए तब आगे इरेज करते हैं। चलिए हम तब तक दूसरा होता क्या दिया है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू टीनी चार्ज स्फीयर पोजीशन। चलिए इसको इरेज करते हैं पहले, तो देखिएगा सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या निकालना है इसमें, तो फोर्स। सेकंड स्टेप में क्या क्या हमें गिवन है ये चेक करना है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 है और यहाँ पे दो चार्ज है। अगर हम राइट करते लिखते हैं क्वेश्चन में, हमेशा हमको क्या करना पड़ता है कि वैल्यू हम लोग गिवन वाली वैल्यू हमेशा लिखेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि हाफ मार्क्स इस पे या वन मार्क्स इस पे मिलता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आर इक्वल टू लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, और इसको ले जाके मीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.30 मीटर आ गया। देखिए ये आ गया वैल्यू आर की, Q1 जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 की वैल्यू जो दे रखा है कितना 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और एक चीज हम लिख सकते हैं कि 1/4πε₀ की वैल्यू थी 9 × 10⁹, ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब फोर्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/4πε₀ होता है Q1 Q2 r² होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ से वैल्यू लिख देंगे कितना होगा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू लिखेंगे 2 × 10⁻⁷ और Q2 की वैल्यू लिख देंगे 3 × 10⁻⁷, फिर अपान आर की वैल्यू कितनी है तो 0.30 का² होगा। ठीक है, तो देखिएगा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 6, ये दोनों का मल्टीप्लाई, और 10⁻¹⁴ पावर यहाँ जोड़, यहाँ करेंगे 0.3 30 30 दो बार लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इन 3 3 को काट के या 9 काट के यहाँ 0.10 कर देते हैं, यहाँ 0.10 कर देंगे। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसका मतलब नंबर हमारे पास कितना बच गया, 6 बच गया। इसको अगर हम सबट्रैक्ट कर दे, देखिए क्योंकि 14 बड़ा है 9 छोटा, तो यहाँ पे आएगा -5, और यहाँ से देखिए दो अंक पे क्या है, दोनों पे दो दो अंक पे डेसिमल है, तो दो ये दो चार हो गया, चार का मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 4 9 हो गया, 3 × 10⁻⁹ हो जाएगा, और यही फोर्स लगेगा तो न्यूटन, इतना फोर्स क्या करेगा लगेगा। ठीक है, आई समझ में, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू टीनी चार्ज स्फीयर पोजिशन 30 सेंटीमीटर इन एयर विथ चार्जेस, इतना कितना फोर्स लगेगा, तो लगेगा 6 × 10⁹ जो है न्यूटन का फोर्स लगेगा। कैसे, तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, किसका फार्मूला है ये,
तो कूलाम्स ला का है, कूलाम्स का फॉर्मूला है उसमें रखें, इसकी वैल्यू पहले से पता होती है, क्यू वन क्यू टू गिवेन है, आर की वैल्यू रख के स्क्वायर कर देंगे, इसको दो बार लेके काट देंगे तो आंसर ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए।